सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में स्वागत है। मैं हाँ थोड़े नाल मनदीप कौर खालसा ते खबरों की शुरुआत कर लेने हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महादोष की सुनवाई सैनेट में शुरू हुई। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति ट्रंप अमरीकी इतिहास के तीजे अजिहे राष्ट्रपति ने जिन्हों के खिलाफ महादोष को मंजूरी दी गई है। 438 मैंबरी हेठले सदन में डेमोक्रेट्स का दबदबा है। इस दौरान डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन मैंबर के विचकार झगड़ा भी हो गया। जिक्रयोग है कि सदन ने 18 दिसंबर को ट्रंप के खिलाफ महादोष चलाने की मंजूरी दी थी। दस दिए कि सत्ता की दुरवरतों और सदन के काम में रोक पैदा करने के दोष में ट्रंप के खिलाफ महादोष लगा है। प्रिंस हैरी ने पत्नी मेगन मर्केल और बेटे आरजी समेत कैनेडा में अपनी जिंदगी नवे सिरे तो शुरू कर दी है। शाही परिवार की सरगर्म मैंबरशिप तो वक्रे होने के बाद प्रिंस हैरी ब्रिटेन तो रवाना होकर वैनकूवर टापू से विक्टोरिया के बाहर एक आलिशान घर में रह रही मेगन के कोल पहुंचे। ड्यूक और डचेस ऑफ सैक्स ने इस जगह को अपनी अस्थाई रिहायश बनाया होया है। दोवें इतने पहले अपने बेटे आरजी के नाल क्रिसमस से भी 6 हफ्ते बिता चुके हैं। जिक्रयोग है कि हैरी और मेगन के शाही अहुदा छड्डन के ऐलान ने पूरे देश नूं हैरान कर दिता सी। उन्होंने कहा सी कि वह अपने 8 महीने के बेटे आरजी के नाल ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका में समा बिताने के लिए एक कदम चुक रहे हैं। कई अखबारों ने मेगन दी तस्वीर भी छापिया सन जिस विच उन्हां दा बेटा आरजी भी नज़र आ रहा है। ये तस्वीर उदों लिया गई सन जदों मेगन अपने कुत्ते नूं घुमाउण लई निकली सी। तस्वीर छापण वाले अखबार नूं हैरी ते मेगन दे वकीलां ने कानूनी चेतावनी जारी की है। ब्रिटेन विच दी सन अते डेली मेल अखबारों ने यह तस्वीर छापिया सन। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक प्रिंस और मेगन के वकीलों का दावा है कि यह तस्वीर झाड़ियों में लुके फोटोग्राफरस ने लिया सन जबकि मेगन ने उन्होंने तस्वीर लैन की इजाजत नहीं दी सी। कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक जोड़े को हैरी के पिता प्रिंस चार्ल्स तो निजी आर्थिक मदद के तौर पर गुप्त राशि भी मिलती रहेगी। जोड़े के भविख में दर्जे को लैके हाले भी कुछ सवाल ने जिमें कि ब्रिटेन और कैनेडा में उन्होंने टैक्स और इमीग्रेशन स्थिति की रहेगी। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस गल तो इनकार किया है कि उन्होंने जोड़े की सुरक्षा से आने वाले खर्च बारे महाराणी एलिजाबेथ नाल सीधी गलबात की है। असल में मीडिया में खबरां सन कि देश ने यह खर्च खुद चुकने का प्रस्ताव दिता सी। ट्रूडो ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि इस संबंधी गल चल रही है, हुण तक मेरे को इस बारे में कोई नवी जानकारी नहीं है। कैनेडा के मीडिया में अनुमान लगाया गया सी कि जोड़े और उन्होंने बेटे की सुरक्षा से अनुमानित खर्च 17 लाख कैनेडियन डॉलर आएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अते जलवायु तब्दीली कारकुन ग्रेटा थनबर्ग एक बार फिर आमो सामने हुए। दावोस विच आयोजित एक सम्मेलन विच 17 साल की ग्रेटा ने कहा कि जलवायु तब्दीली दे नाल नजिठण दे लई सिर्फ रुख लगाने काफ़ी नहीं। उस दे निशाने ते सीधे तौर पर ट्रंप का वह भाषण सी जिस विच उन्होंने 1 लाख रुख लगाने की गल कही सी। नाल ही ट्रंप ने जलवायु तब्दीली ते कीतियां जा रही भविखबाणियों भी खारज किया। ट्रंप ने भावें कि किसी का नाम नहीं लिया पर उस दौरान दर्शक गैलरी विच मौजूद सी। WEF विच अपने मुख भाषण विच ट्रंप ने जलवायु तब्दीली कारकुना दा मूर्ख ज्योतिषियों नाल उत्तराधिकारी भी करार दिता। जबकि ग्रेटा ने अपने भाषण विच एक साल पहला WEF विच दित्ते भाषण दीआं टिप्पणियां नूं दोहराया। उसने कहा कि साडे घरां विच अग लगी हुई है ते तुहाडी क्रियाहीनता अग दीआं लपटां नूं हवा दे रही है। ग्रेटा ने पथराट बालण दे निवेश ते तुरंत रोक लगाउण दी भी मंग कीती। विश्व दे नेतावां वल्लों जलवायु तब्दीली दे हित विच काम करन दे वादिआं ते सवाल चुकदिआं ग्रेटा ने कहा कि तुसी कहिंदे हो कि बच्चिआं नूं चिंता नहीं करनी चाहीदी, इन्ने निराशावादी ना बणो। इस तों पहलां वी वर्ल्ड इकनोमिक फोरम दे मंच ते ग्रेटा अते ट्रंप आमो सामणे सन। उदों वी ग्रेटा दी ट्रंप नूं गुस्से नाल देखदे होए दी तस्वीर सामणे आई सी। चीन के वुहान में फैलिया जानलेवा करोना वायरस हुण अमेरिका पहुंच गया है। इत्थे करोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। अमरीकी सेहत विभाग ने अपनी धरती से इस रहस्यमय वायरस के फैलन की पुष्टि की है। चीन में यह वायरस हुण तक 9 लोगों की जान लै चुका है। विभाग वालों दसया गया है कि वाशिंगटन के नेड़े 30 साल के शख्स में यह वायरस पाया गया। वाशिंगटन के सेहत अधिकारियों ने दसया कि शख्स को हस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अजे इसलिए नहीं क्योंकि वह गंभीर रूप से बीमार है, सगो जांच लई अजिहा किया गया है। शख्स की हालत फिलहाल बेहतर दसी जा रही है। करोना वायरस चीन के वुहान तो शुरू होया है जिथे वड्डी गिनती विच लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं। अमेरिका विच जिहड़े शख्स विच यह वायरस पाया गया है वह 15 जनवरी को वुहान तो इत्थे पहुंचा सी। अखबारों में वायरस की खबर पढ़ने के बाद शख्स चैकअप करवाने लई पहुंचा जिथे इस वायरस का खुलासा हो गया। इस मामले के सामने आने के बाद वुहान तो आने वाली फ्लाइट्स से खास नज़र रखी जा रही है। यात्रियों का चैकअप किया जा रहा है। होर देशों के अलावा भारत में भी चीन तो आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। दिल्ली मुंबई और कोलकाता के अलावा चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद और कोचीन हवाई अड्डे से चीन तो आने वाले यात्रियों की जांच की गई।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਬੌਸ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 56 ਸਾਲਾ ਬੇਜੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਜੋਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਰਬਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ 1 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ CEO ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਜੋਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਗਾਵਿਨ ਜੀ ਬੇਕਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੈਕ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਜਾਣਦਾ ਜਦ ਆਦਮੀ ਕਿ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਤਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਵੀ ਦਰਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਬੂੰਦ ਵੀ ਦਰਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤਰਤ ਜੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ 'ਤੇ, ਆਣ ਕੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਤਾ। ਆਣ ਕੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈਏ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਈਏ, ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ, ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਈਏ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈਏ, ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਾਈਏ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਈਏ। ਜਰਾ ਬਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਲੀਆਂ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ, ਲਾਰਮਾ ਵੱਜਦਾ ਮਨੇਰੇ। ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚਮਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
जिहड़े नवें शायर ने जी उन्हां नूं भी मौका दिता जांदा। अज कुलवंत सिंह की एक किताब है जी, जिहड़ी नवीं किताब उहदे ते गलबात की गई, वह किताब भी रिलीज़ की गई, तो उन्होंने सवाल जवाब भी हुए। सो बहुत चंगा लगता जी इतने आके सुन दिल करता जी जदों भी आईदा, क्योंकि बहुत ही वधिया जिहड़े शायर ने संगीत कवितावां गज़लां, क्योंकि इन्हां दे विच भी जिहड़े कई बहुत ही वधिया शायर ने जी, चाहे परमजीत ढिल्लों है, मंड साहब ने, भुपिंदर दुले साहब आते हैं, ये अपने सनी साहब होंगे ने जी। सो बड़ा चंगा लगता जी सारे सुन के, अज मीटिंग के आया जानी इदा लगता जी, दो तीन घंटे बहुत वजी इंजॉय होंगे जी, कि कनेडा के लाइफ भी जी है। सो मेरिया शुभकामनावान जी इन्हों के कनेडियन पंजाबी साहस वाले हर महीने, क्योंकि सौखा नहीं जी हों कोई भी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना। सो इन मेरिया शुभकामनावान जी। चढ़दी कला टाइम टीवी के लिए टोरंटो तो चमकौर माछीके की रिपोर्ट। अज दिया नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में बस इन्ना ही, हुण तुसीं मैनूं मनदीप कौर खालसा नूं दिओ आग्या, धन्नवाद जी।